हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, डीबीटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। डीबीटी के संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर शिक्षा निदेशक महोदय ने क्या आदेश जारी किया है। इसके साथ साथ डीबीटी का कार्य प्रारंभ न करने वाले विद्यालयों की सूची भी जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम सूची में अपने विद्यालय का नाम चेक करें, कहीं इस सूची में हमारे विद्यालय का नाम तो नहीं है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आदेश देख लेते हैं। ये आदेश प्रेषित किया है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ ने, सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश। इसका पत्रांक है 4199 और ये 26 अक्टूबर 2021 का आदेश है। विषय है शैक्षिक सत्र 2021-22 में निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता, मोजा, क्रय से संबंधित धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता / अभिभावकों के खातों में स्थानांतरित किए जाने के संबंध में। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक शासन के पत्र संख्या दी गई है दिनांक 20/9/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता, मोजा के स्थान पर इन सामग्री के क्रय से संबंधित धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खाते में हस्तांतरित करने हेतु तैयारियां किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उपर्युक्त क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक दिया गया है दिनांक 23 सितंबर 2021 के द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उक्त डीबीटी प्रक्रिया प्राथमिकता पर शीघ्र क्रियान्वित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे। उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि संलग्न सूची के विद्यालयों द्वारा लाभार्थी छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के द्वारा आधार वेरिफिकेशन का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। यह स्थिति ठीक नहीं है, अतः आपसे अपेक्षा है कि अपने मंडल के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तत्काल अपने स्तर से निर्देशित करें कि वे अपने जनपद की संलग्न सूची के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के आधार वेरिफिकेशन का कार्य डीबीटी ऐप के माध्यम से तत्काल पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य का अपने स्तर से सतत अनुसरण भी करें, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा। तो ये आदेश प्रेषित किया है सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, जो शिक्षा निदेशक बेसिक है। काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश है। अब हम इसमें सूची देखते हैं। इसमें एक सूची भी दी गई है, अगर आपको सूची नहीं मिली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सूची मिल जाएगी। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको अपने विद्यालय का नाम चेक करना है। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाएंगे तो आपको सूची की PDF मिल जाएगी। आपको इस तरह से सूची की PDF को ओपन कर लेना है। देखिए, ये आपकी सूची की PDF है, स्कूल लिस्ट DBT वर्क नोट। तो इससे जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसको PDF हमारी खुल जाती है इस तरह से। देखिए, इसमें सबसे पहले आगरा के दिए गए हैं, उसके बाद आपके दूसरे ज़िले के दिए गए हैं। इसमें 133 पेज हैं और 133 पेज अगर आप वैसे ढूंढेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको देखिए सीधे हाथ पर एक सर्च का निशान बना हुआ है, यहाँ सर्च के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने जनपद का नाम डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ MUZAFFARNAGAR। मैंने यहाँ पर मुजफ्फरनगर लिख दिया और मुजफ्फरनगर लिखने पर देखो इसमें आ गई है 105। इस तरह से मुजफ्फरनगर की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। देखिए, जैसे ही आप मुजफ्फरनगर इसमें लिखते हैं तो इसमें आपको मुजफ्फरनगर की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। देखिए, दोबारा से कर देते हैं हम इसको सर्च। हमने यहाँ पर लिखा MUZ, अगर आप इतना भी लिख देंगे A मुजफ्फरनगर, देखिए यहाँ से मुजफ्फरनगर की लिस्ट शुरू हो गई है। आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें तो आपको लिस्ट सामने आ जाएगी। देखिए, इसमें स्कूल दिए गए हैं मुजफ्फरनगर के, बुढ़ाना, ये ब्लॉक भी दिए गए हैं।
तो इसमें इस तरह से आप अपने स्कूल के लिस्ट चेक कर सकते हैं कहीं आपका नाम तो नहीं है, क्योंकि इसमें मुजफ्फरनगर का बहुत कम नाम है, बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जहां पर ये कार्य नहीं किया गया है। तो इस तरह से आपको इनको चेक करना है। अगर आप वैसे चेक करेंगे तो आपको शायद नहीं मिल पाएगा, तो आप इस तरह से सर्च करके लिस्ट को चेक कर लीजिए, और अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो वैसे भी आप इसमें कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो गलती से आपके विद्यालय का नाम इसमें हो। तो अगर आपका नाम है तो आप DBT के कार्य को पुनः प्रारंभ कर दें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।